नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं रवीश पाल सिंह आज आपको बताने जा रहा हूं कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में ये जो नतीजे आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, कांग्रेस विपक्ष में रही, बसपा को कोई सीट नहीं मिली। हालांकि बसपा एक सीट पर लीड कर भी रही थी, शुरुआत में दो सीटों पर लीड कर रही थी, बाद में वो सारी सीटें हट गई, बसपा को कोई सीट मिली नहीं। लेकिन हम आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विकल्प की जिसने इस उपचुनाव में सबको हैरान कर दिया है। विकल्प है क्या? वो विकल्प है नोटा का पटा। इस चुनाव में मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने, इन 28 विधानसभा सीटों पे जो मतदान हुआ है इसमें मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने जमकर नोटा का बटन दबाया है। इतना कि उपचुनाव में जो उम्मीदवार उतरे थे उनमें से करीब 67% उम्मीदवार नोटा से भी पीछे रह गए। दरअसल इस मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ था उसमें 355 उम्मीदवार थे, उसमें कांग्रेस के भी थे, भाजपा के थे, निर्दलीय थे, सपा बसपा के थे, इन सबको मिलाकर के 355 उम्मीदवार थे। लेकिन इसमें से भी तकरीबन 240 के करीब जो उम्मीदवार हैं वो नोटा से पिछड़ गए, यानी इन जगहों पर इतने वोट पड़े कि नोटा आगे निकल गया और ये उम्मीदवार पीछे रह गए। ऐसे प्रत्याशियों की संख्या करीब 236-240 के आसपास है मध्य प्रदेश की इन 28 विधानसभा सीटों पर। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में नोटा का इस्तेमाल क्यों किया? दरअसल नोटा को इसीलिए विकल्प के तौर पर रखा जाता है ईवीएम में कि अगर कोई शख्स जिसको मताधिकार का अपना प्रयोग करना है और अगर उसे ऐसा लगता है कि उसकी विधानसभा सीट पर कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं है, भले वो बड़े राजनीतिक दल का हो, छोटे राजनीतिक दल का हो या निर्दलीय हो, अगर उसे लगता है कि उसकी सीट पर कोई भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो उसके मत का हकदार हो, यानी उसको वो वोट दे सके, अगर ऐसा कोई उम्मीदवार से नहीं लगता है तो वो नोटा का बटन दबा सकता है। और इसका प्रयोग अच्छे से जब हो रहा है तो इसकी चुनौती भी दिख रही है। हालांकि चुनौती बड़े राजनीतिक दलों के लिए तो नहीं है, कम से कम ये इतना तय हो चुका है। पिछले चुनाव में भी देखें, विधानसभा के जब मध्य प्रदेश में हुए थे 2018 में, या फिर ये जो 2020 के उपचुनाव हुए हैं, क्योंकि बड़े राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका फर्क पड़ा है छोटे राजनीतिक दलों को, यानी सबसे ज्यादा बसपा को इसका असर पड़ा है या फिर निर्दलीय उम्मीदवारों को। बसपा का नाम हम क्यों ले रहे हैं? दरअसल बसपा जब शुरुआती रुझान आने शुरू हुए तो दो सीटों पर आ गई थी, लेकिन धीरे धीरे वो 2-1 पे आई और फिर अंतिम नतीजे आए तब आए बसपा का वो एक जो बढ़त थी वो भी छिन गई और बसपा आखिरकार 0 सीटों पे विजयी रही इस उपचुनाव में। 9 सीटें भाजपा के खाते में गई और 9 सीटें कांग्रेस के खाते में गई और 19 सीटें भाजपा के खाते में गई। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि जिस नोटा की हम बात कर रहे हैं उस नोटा ने 2 विधानसभा सीटों पे बसपा उम्मीदवार से ज्यादा वोट हासिल किए, यानी बसपा के जो उम्मीदवार हैं अनूपपुर विधानसभा से और मंधाता सीट से, इन 2 विधानसभाओं में बसपा से ज्यादा वोट नोटा को मिले, तो बसपा के लिए तो चिंता की बात है ही है। लेकिन जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनके सामने बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि इनके अलावा बाकी तमाम सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार नोटा से पिछड़ गए। अब सवाल उठता है कि जब बड़े राजनीतिक दलों पर कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा तो नोटा का बटन क्यों? तो देखो, नोटा का बटन जो है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मताधिकार है, ये आप वोटिंग पे अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं काउंट वोटिंग दे मतदान के दिन। तो अगर आदमी मत नहीं देना चाहता किसी को, उसे लगता है कि उम्मीदवार नहीं है उसकी पसंद का, या फिर पूरे किसी भी राजनीतिक दल ने उसकी पसंद के उम्मीदवार को नहीं उतारा, तो वो नोटा का इस्तेमाल करता है। ऐसे में इतना साफ हो गया है कि इस उपचुनाव के नतीजों से कि नोटा जो है वो एक तरफ मतदाता के अधिकार को तो बढ़ाता ही है, लेकिन इसके साथ ही अब राजनीतिक दलों को नोटा की ताकत का एहसास भी हो रहा है। और ये माना जा रहा है कि अगर इसी तरीके से उम्मीदवार जब लोगों को नापसंद रहेंगे अपनी विधानसभा सीट पे, तो भले ही अभी बहुत ज्यादा प्रतिशत नहीं है नोटा का, लेकिन आने वाले भविष्य में इसकी संख्या बढ़ सकती है, नोटा को चुनने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है, इतना जरूर तय हो गया है इस उपचुनाव के अगर नतीजों को देखें तो।